हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम सोशियोलॉजी एमडीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि सीएसआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आते ही नहीं ठीक है एग्जाम में। तो आप लोग क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे सारा का सारा आंसर आप लिख के जाइएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ दिस वीडियो नहीं आएगी ठीक है। तो देखें सर, सबसे पहले तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि चैनल आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है समाजशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र को लिखिए, तो ये भी 100% आएंगे तो आएंगे ठीक है। जिसमें हम 100% बोल रहे हैं वो पक्का आएगा ठीक है, और जिसमें 100% नहीं बोल रहे हैं उसमें चांसेस लग रहे हैं आने का, इसलिए हम बोल रहे हैं ओके। तो ये 100% आएंगे तो इसको पूरा एकदम किसी भी हालत में रट लीजिएगा। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ किस प्रकार अंतर संबंधित है, ये भी 100% चांसेस है आने का ओके। आगे देखिए सामाजिक समूह की परिभाषा, विशेषता प्रकारों को लिखिए, तो ये भी 100% चांसेस है। परिवार किसे कहते हैं, विशेषता प्रकार और हाल में हुए परिवर्तन को लिखिए, ये भी 100% चांस है ठीक है। संस्कृति का अर्थ, संस्कृति वाला एक क्वेश्चन आएगा ठीक है। विशेषताओं प्रकारों को लिखिए, तो ये भी 100% कह सकते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, तो ये भी 100% कर सकते हैं ठीक है। अर्थ प्रकार महत्व जाति वर्ग के बारे में लिखें। एक्चुअली सीएसआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारा 100% रहता है तभी यहाँ पर दिया जाता है ठीक है। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन का भी आने का बहुत कड़ा संभावना है, तो ये भी 100% इसको हम देंगे ठीक है। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा, विशेषता और इसके सिद्धांतों को लिखिए, तो ये भी 100% एकदम आने का चांसेस है, और ये दोनों भी 100% ही है ठीक है। तो आप लोग सारा क्वेश्चन रेडी कर लीजिएगा। सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा, विशेषता, महत्व, साधन, एजेंसियां, यानी समाज को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन सी एजेंसियां बनाई गई हैं, ये क्यों जरूरी है, क्यों महत्व है ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है, और इसके क्या क्या साधन हैं ठीक है। नियंत्रण तंत्र कौन कौन से हैं, मानदंड कौन कौन से हैं, और इसके मूल्य कौन कौन से हैं, तो ये सारा आप लोग को लिखना है। समाजीकरण क्या है, धीरे धीरे समाजीकरण हो रहा है शुंस, तो क्यों हो रहा है, किसको देख कर हो रहा है, और कौन किसका समाजीकरण कर देख कर करता है ठीक है। तो ये सारा कुछ परिभाषित करते हुए इसके प्रकार और कारक को लिखे। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका अगर आप आंसर चाहते हैं, इसका PDF वगैरह आंसर वगैरह चाहते हैं, तो आपको 50 रुपीज लगेंगे क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारे खर्चे लगते हैं, तो आप लोग को इतना तो लगेंगे ठीक है। और बाकी अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, और चाहते हैं तो WhatsApp नंबर मेरा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो तुरंत मैसेज करें, तुरंत पाएँ ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।